Hi guys, welcome back to Rambaho. I'm Nitika Bakshi. This is Rahul Bhatt. और लास्ट वीडियो में जो इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो थी दैट वाज कैमरा बेसिक्स और फोटोग्राफी बेसिक्स और एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था उसमें इतना प्यार मिलेगा और उसमें बहुत प्यार मिला एंड अ लॉट ऑफ यू नो ब्यूटीफुल कमेंट्स कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा. एक्चुअली मेरे कुछ दोस्तों ने और एक कज़न ने कैमरा भी लिया था रिसेंटली एंड दे सॉ दैट वीडियो एंड दे वर लाइक वेरी हैप्पी एंड दे केम टू नो अ लॉट अबाउट कैमरा एंड फोटोग्राफी. तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दिस इज़ द सेकंड वीडियो वेयर ये जो हमने पिछले वीडियो में शटर स्पीड ISO एपर्चर की बात की थी वही सेम हाउ टू मैनिपुलेट देम सो दैट योर वीडियो कम्स आउट ऑफ द कैमरा वेरी ब्यूटीफुल बेटर देन द ऑटो मोड. ठीक है तो मेरा आज क्लास नंबर 2 है. टू स्टेप नंबर 2. ओके वाज आई अ गुड स्टूडेंट इन द क्लास 1? इसको एक्चुअली इसके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई मीन नॉट बेसिक्स एक्चुअली मैं टीचर अच्छा था तो इसलिए तो सीख गए अच्छे से. ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप वीडियो शूट करना मैनुअल मोड में सीख जाओगे एंड दोज वीडियोस विल लुक मच बेटर देन यू नो इन द ऑटोमेटिक मोड. तो अगर मुझे अपनी चैनल शुरू करनी है कुकिंग चैनल तो मतलब मैं सीख जाऊंगी इस वीडियो के एंड में कि कैसे एडिट करते हो. हाँ हाँ आप सीख जाओ आप बनाओ भी बट रंबा हो मत छोड़ना प्लीज. तेरे बिना ये चैनल कुछ नहीं है ब्रो. तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे जिसमें शटर स्पीड एपर्चर और ISO की बात की है लिंक इधर फिर से है देख लीजिएगा तभी आपको ये समझ आएगा. तो अब हमने जब पिछली बार ये सब बात की थी आप सेम रूल्स आपको अप्लाई करने हैं वीडियोग्राफी में. ओके ओके अब पहले ये सोचो कि वीडियो है क्या. वीडियो इज़ नथिंग बट एटलीस्ट 24 फ्रेम्स मतलब 24 फोटोग्राफ्स अगर आप एक सेकेंड में देखते हो एक ही जिप करके देखते हो तो वो एक वीडियो बन जाता है वो एक कंटिन्यूस सीमलेस वीडियो बन जाता है. ओके ठीक है तो मोस्टली आप जो मूवीज़ में देखते हो ना जो भी आप मूवीज़ देखते हो वो 24 फ्रेम्स में बनाई जाती हैं और कुछ एक्शन मूवीज़ 30 फ्रेम्स में बनाई जाती है. प्रेशर कुकर की सीटी बन रही है छोले बन रहे हैं के लिए. तो मैंने FPS मतलब फ्रेम पर सेकंड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक वीडियो शूट करने के लिए. जैसे मैं अभी आप देख रहे हो जो भी हम ये शूट कर रहे हैं 24 फ्रेम्स में है. ऐसे ही अगर आपको स्लो मोशन शूट करना है वो ज़्यादा फ्रेम्स में होने चाहिए. True. जैसे कि 120 फ्रेम्स पर सेकंड बहुत अच्छा माना जाता है स्लो मोशन के लिए. तो है क्या एक्चुअली वो सेम कैमरा एक सेकंड में 120 फ्रेम्स 120 काइंड ऑफ पिक्चर्स लेगा और उनको एक सेकंड में दिखाएगा. ठीक है वो एक 120 फ्रेम्स लेता है और ये नॉर्मल जैसे हम शूट करें 24 फ्रेम्स ले रहा है. आप तो समझिए एक सेकंड में 120 फोटोग्राफ्स है उसके पास और अगर वो एक्चुअली इसको 24 फ्रेम्स पर सेकंड के वीडियो में डालना चाहे तो उसके पास एक्चुअली बहुत सारे फ्रेम्स हैं. तो वो 120 फ्रेम आपको अगर 24 फ्रेम वाली फिल्म बनानी है तो वो आप उसको 5 सेकंड में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. 5 × 24 इज 120 तो 5 सेकंड का एक्चुअली आपको मिल जाता है. तो एक सेकंड में जो एक्शन हुआ वो आप 5 सेकंड में देखोगे तो दैट इज स्लो मोशन. एंड आई थिंक द रीजन इज टू टेक सो मेनी फ्रेम्स सो दैट दे हैव दैट मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. इफ यू हैव ओनली 24 frames to put it in 5 seconds for an example it both crappy like ha you won't have that much of detail in it. ha wo pura aise tuk aise jayega us motion mein wo smooth motion mein nahi jayega. so imagine you have just one scene in that scene you have to show not for 1 second but for 5 seconds so you need more information for it to more frames. yeah yes. to jaise ki aap bahut sare b rolls dekhte ho to b rolls mein slow motion ka bahut zyada use kiya jata hai aur bahut cool lagta hai aur एक्शन को स्लो देखना बहुत सही मतलब हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं दैट रियली लुक्स वेरी कूल. और अब ये सब मैं क्यों बात कर रहा हूँ फ्रेम पर सेकंड की बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर शूटिंग वीडियो. तो स्टार्टिंग विद शटर स्पीड. शटर स्पीड जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी इज कि आपका जो कैमरा है वो एक जो फोटो लेता है वो कितने सेकेंड में ले लेता है तो कितने सेकेंड तक वो लाइट को अंदर आने देता है एंड दैट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स. तो सेम चीज़ आपके वीडियो में भी होती है. आप तो वीडियो में क्या होता है अगर आपका 24 फ्रेम पर सेकंड का वीडियो है तो एक सेकंड में जो ये 24 फ्रेम्स 24 फोटोज़ लिए एक एक फ़ोटो में कितना कितने जल्दी जल्दी लिए कितने शटर स्पीड से ली गई है वो आपका शटर स्पीड वीडियो में है. सेम वही है जैसे आप एक फ़ोटो का शटर स्पीड आपने जो रखा है वही एक सेकंड में 24 फोटोज़ हैं या 120 फोटोज़ हैं जितने भी आपके फ्रेम्स हैं वो शटर स्पीड उसके साथ हर एक एक फ्रेम की उतनी शटर स्पीड रहती है. तो और इसमें ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप कोई वीडियो शूट कर रहे हो जितना भी आपका फ्रेम पर सेकंड है मान लो आप 25 फ्रेम पर सेकंड पे कर रहे हो तो आपका जो शटर स्पीड होना चाहिए वो 1/50 होना चाहिए. ओके सिंपल रूल इज 180 है मतलब 25 फ्रेम्स है मल्टीप्लाई बाय 2 करो 50 और 1 से डिवाइड करो ये 1/50th ऑफ ए सेकेंड आपका शटर स्पीड होना चाहिए. ऐसा क्यों है ये रूल 180 डिग्री रूल क्यों है.
ये इसलिए है कि जो कैमरा जो ये रिकॉर्ड कर रहा है और जो मेरा हाथ जिसमें अगर मोशन कर रहा हूँ, जैसा ये रिकॉर्ड मुझे आंखों से दिख रहा है, वही सेम कैमरा भी रिकॉर्ड कर सके. ओके, सो दैट इज़ वाई ये पूरा नेचुरल मोशन, नेचुरल ब्लर, जो अगर नेचुरल मोशन इज द राइट वर्ड, अगर आपको नेचुरल मोशन चाहिए तो आप ये वाला 180 डिग्री रूल हमेशा यूज़ करिए. बट देर आर यू नो देर आर ऑलवेज रूल्स टू ब्रेक, एंड ये रूल भी आप ब्रेक कर सकते हो. और कब, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, याद है जब हमने बीरोल बनाया था शीर चाय का, पिंक टी, कश्मीरी पिंक टी, उसमें जो हमने वो इलायची, हाँ हमने उसमें वो इलायची ऐसे नीचे फेंकी थी, तो उस वक्त क्या किया था, 20 मैं वो 50 फ्रेम पर सेकंड में खींच रहा था क्योंकि मेरे को स्लो मोशन चाहिए था तो मेरी शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, 1/100. और जब मैंने वो लिया तो वो जैसा मोशन मेरी आँख को दिख रहा है कैमरा ने भी वैसे ही शूट किया. बट अगर तुम सोचो उस वक्त, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स गिर रहे हैं, अगर वो एक एक फोटो थोड़ी शार्प दिखे, एक एक फ्रेम उसका 50 फ्रेम्स, हर एक फ्रेम थोड़ा शार्प दिखे, तो वो जब गिरते हुए मुझे थोड़े शार्प दिखेंगे, ब्लर कम आएगा. अगर मैं वैसा इफेक्ट चाहता हूँ तो मैं क्या करता, शटर स्पीड को और हाई ले जाता, 1/500 ऑफ ए सेकेंड, तो वो जो गिर रहे हैं स्मूथ ही दिखेगा, बट आपको नेचुरल मोशन ही लगेगा. और उस वक्त नेचुरल मोशन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मे बी वो एक एक पार्टिकल आप शार्प देखना चाहते हो. ये आपके, अगेन ये आपके ऊपर है, अगर आप, बट मोस्टली आप 180 डिग्री रूल ही फॉलो करोगे. बट ये एक यू नो एक्सेप्शन है जहां आप ये रूल तोड़ सकते हो. एक और एक्सेप्शन है जहां पे यू नो अगर आपने 25 फ्रेम्स में खींच रहे हो, जैसे अभी हम खींच रहे हैं 1/50 ऑफ ए सेकेंड इज द शटर स्पीड, बट तो भी लाइट कम है, तो आप उसको थोड़ा और ले जा सकते हो, 1/30 या 1/40 तक, बट उससे ज़्यादा लो नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक सेकेंड में 25 फोटोग्राफ्स लेने हैं या 24 लेने हैं, तो शट मतलब उतना तो ऐसा नहीं कर सकते आप एक हर एक को, हर एक फ्रेम को एक सेकेंड दे दो. अगर आप हर एक फ्रेम को एक सेकेंड दे दो तो 24 सेकेंड लग जाएंगे, बट आपको वो एक ही सेकेंड में 24 फ्रेम्स खींचने हैं, समझे ना. तो दैट इज़ वाई आप ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सकते, शटर स्पीड आपका एक लिमिट होता है. 180 डिग्री रूल फॉलो कीजिए. और जैसे कि मैंने एक्सेप्शन बताया, जहाँ आप चाहते हो कि थोड़ा सा यू नो ब्लर कम हो, नेचुरल ब्लर ना हो, थोड़ा सा शार्प आपकी वीडियो हो, तब आप कभी कभी इसको ऊपर ले जा सकते हो, मतलब और फास्ट शटर स्पीड रख सकते हो. ओके, एक बहुत सही मैजिक जो अगर आप कर सकते हो, पता है हेलीकॉप्टर, आप देखो पंखे उड़ रहे हैं, तो अगर आपने उसका वीडियो लोगे, अगर आप 180 डिग्री रूल में लोगे, मतलब 25 फ्रेम्स पर सेकंड का वीडियो ले रहे हो, और अगर आपने 1/50 शटर स्पीड रखी, वो जैसे आपको आँख को दिख रहा है वैसा ही दिखेगा. बट अगर आप शटर स्पीड बहुत बढ़ा लो, तो आप इवन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा लो ना, अगर आप वो मैच कर सको, जब वो हेलीकॉप्टर का पंखे है ना, वो आपको वीडियो में एक ही जगह लटके लगेंगे, और तो भी आपका हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, समझे. क्योंकि वो एक एक फ्रेम इतना जल्दी खींच रहा है कि वो ब्लर दिख ही नहीं रहा है. सो दैट इज वेयर यू कैन ब्रेक द रूल्स. बट अगर मोस्टली आप 180 डिग्री रूल ही फॉलो कीजिए. नाउ कमिंग टू एपर्चर एंड ISO, ये दोनों चीज़ें जैसे आपकी फोटोग्राफी में चलती है, सेम ये आपकी वीडियोस में भी चलती है. ओके, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं है. द वेरी इंपॉर्टेंट इज शटर स्पीड. तो अब तू बोलेगी कि यार मैंने ये सब सेटिंग्स कर ली, बट मुझे कैसे पता कि मैं सही लाइट आ रही है मेरे कैमरा में या नहीं. तो उसके लिए आपके कैमरा में एक मीटर रहता है, जैसे मैंने तुझे दिखाया अभी, एक मीटर रहता है, बीच में आ रहा है, बीच में है वो, बीच में तो जीरो के आसपास होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रॉपरली एक्सपोज्ड है. अगर माइनस में जा रहा है तो थोड़ा अंडर एक्सपोज्ड है, मतलब थोड़ा सा डार्क है. और अगर ज़्यादा प्लस में जा रहा है तो मतलब ज़्यादा लाइट ओवर एक्सपोज हो रहा है. बट ट्राई करो इसको जीरो के आसपास रखने का. मैं पर्सनली इसको -1 पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डार्क वीडियो, डार्क टाइप ऑफ वीडियोस पसंद है, तो इसलिए मैं इसको माइनस नहीं बोलते डार्क वीडियोस पसंद तो मैं इसको -1 पे रखता हूँ, बट कीप इट नियर जीरो. तो अगर मैंने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बेसिक सीख ली अभी तक, विच आई अंडरस्टूड मच अब तक, टेक्निकली एक्चुअली या नॉट प्रैक्टिकली, तो क्या मैं प्रोफेशनल लोगों की तरह वीडियो बना सकती हूँ? Can I reach the level of Mr. Rahul Bhai? वहाँ बहुत तोड़ू लोग हैं, बट क्या डिफरेंस क्या है एक amateur और एक प्रोफेशनल में, मतलब अगर आप ये सब रूल्स फॉलो करो आपकी वीडियो अच्छी दिखने लगेगी. बट जो ये प्रोफेशनल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं लाइटिंग में और कंपोजिशन में. लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप फोटोग्राफ या वीडियो मतलब आप लेवल ही चेंज कर सकते हो अगर आपको प्रॉपरली लाइट सेटअप कर पाओ. और दूसरी चीज़ है कंपोजिशन. कंपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंपोजिशन मतलब शॉर्ट में बताऊँ तो आप एक सब्जेक्ट को फ्रेम में कहाँ कैसे रखते हो, किस जगह प्लेस करते हो कि वो विजुअली अपीलिंग हो, और यू नो एज ए व्यूअर मुझे समझ आए कि मुझे क्या दिखाना चाह रहा है वीडियो या फोटो में. हाँ, मैंने एक शॉर्ट
मतलब ब्लॉग टाइप पढ़ा था जिसमें वो ग्रिड का बताते हैं कि इन दैट ग्रिड वेयर योर सब्जेक्ट शुड बी एज पर सब्जेक्ट ऑब्वियसली इफ इट इज पोर्ट्रेट और डिपेंडिंग ऑन योर बैकड्रॉप ऑल्सो हाउ यू इन विच ग्रिड इट शुड बी प्लेस्ड. वो उसके कुछ रूल्स हैं, वी वोंट डिस्कस मच हियर. वो बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे. और सीरियसली मतलब आप अगर ये जो वीडियोज हैं आप इससे एक मैनुअल मोड में सीखना शुरू कर सकते हो, नूब्स के लिए. बट वेन यू मूव ऑन आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको लाइटिंग और कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा. और जितना हो सके ट्राई करो कि मैनुअल में शूट करना. जैसे कि बी रोल्स होते हैं, जो कि बी रोल क्या होता है, जैसे एक आप अगर एक वीडियो देख रहे हो उसमें या मूवी देख रहे हो उसमें एक स्टोरी है जिसमें एक्चुअली वीडियो में स्टोरी बताई जा रही है. बट बी रोल्स होते हैं जो उसके एक्स्ट्रा कुछ होते हैं, जो जैसे एक बंदा जा रहा है ट्रेन से ऑफिस जा रहा है, उसमें एक दिखा सकते हैं कि वो सच में ट्रेन में बैठा और उसने बातें की, अब वो सोच रहा है कुछ और वो मूवी में सब कुछ दिखाया जा रहा है. एक एक उसका शॉट हो सकता है, बी रोल कैसे हो सकता है कि उसने चाबी उठाई, दरवाज़ा बंद किया, नेक्स्ट शॉट में ट्रेन में घुसा, ट्रेन का दरवाज़ा बंद हुआ, ऐसा सिनेमैटिक वाइज में इसको बी रोल बोलते हैं. और मैं एक जोक बताती हूँ इस पर. स्टार्टिंग में इसने एक बार मुझे बोला कि बी रोल बना दे, मैंने तब तक सुना नहीं था, तो मैंने उसको बोला ये ब्रोल क्या होता है. हाँ इसको बी रोल बोलते हैं, ब्रोल नहीं. मैंने उसको बोला ब्रोल क्या होता है यार. तो पहले तो उसने मेरे पे आधा घंटा हंसा, ठीक है. मैंने कहा भाई तू हंसले मैं गूगल कर लेती हूँ. इसने हैशटैग्स भी डाले थे, ब्रोल 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 पता नहीं क्या. तो हाँ इसको बी रोल बोला जाता है. और बी रोल्स सुंदर तभी लगते हैं अगर वो मैनुअल में प्रॉपरली शूट किए जाएं. बट अगर आप नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हो और अगर आप बाहर जाए, जैसे मैं कमरे में हूँ थोड़ा डार्क है और मैं बाहर जाऊँगा जहाँ पे मैं बालकनी में जा रहा हूँ या बाहर जा रहा हूँ गार्डन में, वहाँ थोड़ी धूप है, तो आप उस वक्त बार बार आप सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी. अगर मैनुअल में हो तो उस वक्त आप कर सकते हो कि आप ऑटो में रख के व्लॉग कर सकते हो. बट अगर आपके पास प्रॉपरली लाइट है, कंडीशंस हैं, तो ट्राई करो मैनुअल में शूट करना. आप डिफरेंस समझ जाओगे, बहुत बहुत अच्छा लगता है मैनुअल में वीडियोज एंड फोटोज. So thanks for watching this video on video basics or videography basics. And the next video will be editing a simple video like a reaction video. So what I will do is we may react on some song and then usko kaise edit kiya jata hai, that will be the next video and it will be done on Adobe Premiere Pro. But same concept aap dusre softwares mein bhi use kiye kar sakte ho. Kuch free hai, kuch nahi hai. I think that is something which lot of people would be waiting for. Even me, I have never edited anything. I have taken, obviously, I have clicked photos, I have made videos, but I have never done the editing part of it. Main abhi tak usse dur hi rehti thi taki isko karna pade. Pada usko bhi karna pade. Haan, isne mujhe bola hai video bana, seekh lega na, fir tu bhi karna. So yeah, that will be the next video. So thanks for watching this video. See you in the next one. Bye.